नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ में पश्चिम विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अरमान खान कलेक्ट्रेट अपना नामांकन करने पहुंचे। यहां अरमान खान इस दौरान काफी ज्यादा जोर आजमाइश करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि हम लगातार विकास की गति पर आगे काम करेंगे, हमारा विजन क्लियर है। इस दौरान हमारे संवाददाता हिमांशु ने उनसे चुनावों को लेकर खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2022 के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे 125 विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अरमान खान जी मौजूद आए, इनसे बात करेंगे और किस मुद्दों को लेकर सर आप इस बार चुनाव में उतरे हैं, किस मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आप जाएंगे। देखिए, प्रदेश में जो नफरत की राजनीति चल रही है उससे सभी त्रस्त हैं। हम बात करें महंगाई के मुद्दे की, हम बात करें जो खाद्य पदार्थ हैं, हम मसलन बात करते हैं सरसों का तेल, आज 5 साल पहले किस रेट पे था, आज किस रेट पे, ये आप सबको अच्छी तरीके से पता है। वो डीजल पेट्रोल की हम बात करें, महंगाई की बात हो या जो पिछड़े वर्ग हैं, समाज जो निचले पायदान पे हैं उनके हितों की अनदेखी हुई है। और जो लखनऊ पश्चिम की मैं बात करूँ विशेषकर रूप से, तो उसमें जो शुद्ध पेयजल समस्या है, जो सफाई की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, जो जनता अपने विधायक को ढूंढती रहती थी और जनता जब विधायक के दरवाजे पे जाती थी तो विधायक ये कहते हैं कि आप पुरानी पार्टी को वोट किया है, हमको वोट नहीं किया है। तो हम ये मिथक तोड़ने आए हैं, हम एक विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में जनता के बीच में जा रहे हैं। विधानसभा की बात, किस तरह से परेशानी है पश्चिम विधानसभा में और किस मुद्दे रहेंगे आपकी? जो मैंने आपको बताया कि वो चाहे शुद्ध पेयजल की समस्या हो, सीवर लाइन की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, प्लस जो विकास होना चाहिए था लखनऊ पश्चिम का, आज इस क्षेत्र ने काफ़ी सालों से विधायक दिए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक भी रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कराया है, और उसी भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार आज की तारीख में है, उसमें आप बात करें तो आज विकास बदहाल स्थिति में है। हम जो विकास की गंगा बहाने आ रहे हैं और 10 मार्च 2022 को जब अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो किससे किस प्रत्याशी से आपको लगता है कि इस बार आपकी लड़ाई खास है? हम लोग की लड़ाई किसी से नहीं है, हम लोग पहले से जीत रहे हैं, नंबर एक पे हैं और नंबर एक पे 10 मार्च को भी रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे अरमान खान जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर समाजवादी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली के साथ साथ महिलाओं के लिए अलग से सुविधा की जाएगी। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए हिमांशु का लखनऊ। वही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर लखनऊ में चौथे चरण का नामांकन हुआ। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर नामांकन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी अमित श्रीवास्तव कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हिमांशु ने उनसे खास बातचीत की कि उनका विजन क्या है वो बताएं, आम जनता उनके बारे में क्या सोचती है ये उन्होंने बताया। आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा चुनाव का विपुल बच चुका है, हमारे साथ नामांकन करने आए उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी अमित श्रीवास्तव जी मौजूद। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे को लेकर के साथ चुनाव पे उतरे हैं आप? देखिए, दिल्ली मॉडल हमारा पूरी देश और दुनिया में जाना जाता है। आज हम उत्तर प्रदेश में भी हम उन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में, हमने जनता से वादा किया है कि हम 300 यूनिट बिजली यहाँ की जनता को मुफ्त देंगे और पुराना बिजली का बकाया बिल माफ़ करेंगे। किसानों को हम बिजली पूरी मुफ्त देंगे। हम यहाँ के नौजवानों को 5,000 रुपये तब तक देंगे जब तक उनको हम सरकारी नौकरी नहीं मुहैया करा देते। 10 लाख नौकरी सालाना देने की बात हमने कही है। ये दूसरा मुद्दा है हमारा, 25% टोटल बजट का हम शिक्षा पर खर्च करेंगे और हमारी जो माताएं बहनें 18 वर्ष के ऊपर की हैं उनको हम 1,000 रुपये प्रतिमाह देने का काम। अगर ये तो बात उत्तर प्रदेश की, आपकी विधानसभा की बात करिए, उत्तर विधानसभा किस तरह से परेशानी है जनता को और किस तरह से उनकी परेशानी को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? परेशानी ही परेशानी है उत्तर विधानसभा में। वर्तमान विधायक जी ने बिल्कुल काम नहीं किया है। बंधा निर्माण बहुत आवश्यक है फजुल्लागंज के निवासियों के लिए और नदी के उस पार के लोगों के लिए, आज तक नहीं हो पाया। खसरा, डेंगू, मलेरिया आप सब चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं समय समय पर। बंधे की बात कीजिए तो वहीं उत्तर विधानसभा में पीपे वाला पुल भी आता है जो कई बार बनने के लिए पास हुआ, इसके बाद ही नहीं हो पाया। मेरी प्राथमिकता में रहेगा तो इस बार सबसे पहले प्राथमिकता, और क्या क्या रहेंगी इसके अलावा? अस्पताल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, उनसे हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। जो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी अस्पताल और स्कूल की बात करती है। तो साफ तौर पर इन्होंने बताया कि इस बार ये अस्पताल और बेरोजगारी को लेकर अहम मुद्दे के साथ ही साथ जो महिलाएं बड़ी उम्र की हैं उनको 1,000 रुपये रोजाना देंगे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए लखनऊ से हिमांशु गर्ग। चुनावी सरगर्मियां बेहद तेज हैं, ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है, तो सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। और इसी कड़ी में बिलसी विधानसभा से प्रत्याशी हरीशचंद शाक्य भी अपना नामांकन करने पहुंचे, जिनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विजय राठौर ने सुनी।
अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात की जाए तो बदायूं जनपद का नाम आता है। बदायूं जनपद का नाम इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर एक सपा का जो गढ़ था 2017 में जो है बीजेपी ने ढहा दिया। अगर बात करेंगे बीजेपी की तो यहाँ पर जिनके नेतृत्व में 5 सीटें विधानसभा अगर की बात की जाए तो जनपद बदायूं की 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों पर 2017 में जो है बीजेपी ने 5 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। अगर बात यहां पर की जाए तो जिनके नेतृत्व में जो है यहां पर 5 विधानसभा सीटें जीती थी, आज हमारे साथ हैं हरीश साके जी और एक महत्वपूर्ण सीट से चुनाव बिलसी से चुनाव लड़ रहे हैं और बिलसी सीट एक महत्वपूर्ण सीट कही जाती है बदायूं जनपद की। आज मैं बात करूंगा हरीश साके की, बीजेपी से जो है प्रत्याशी भी हैं। हरीश जी, अगर बात बदायूं की राजनीति में करें तो 2017 में जिस तरह से बीजेपी ने एक कहा जाए तो सपा का किला ढहा दिया, तो क्या लगता है कि बदायूं की राजनीति में इस बार 6 की 6 सीटें आने का संभावना बताई जा रही है? देखिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर जो डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास किया है, उससे निश्चित रूप से इस बार बदायूं में 6 की 6 सीटें हम जीतेंगे। अगर बिलसी सीट की बात की जाए तो वहाँ पर जिस तरह से जातीय समीकरण को देख करके सपा और बसपा और भाजपा की बात की जाए तो देखा जाता है एक ही जाति के जो है कार्ड खेला, जाति कार्ड खेला है, एक ही जाति के तीन तीन वहाँ पर महारथी चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखना ये होगा कि वहाँ पर बीजेपी बिलसी में क्या अपनी विजय हासिल कर पाती है। देखिए, निश्चित रूप से जो दूसरे दल से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको जनता ने एकदम नकार दिया है। चुनाव एक तरफा है क्योंकि वो दूसरे दल से जो लोग राजनीति में चुनाव लड़ रहे हैं वो राजनीति में सेवा करने नहीं आए हैं, वो राजनीति में व्यापार करने आए हैं, राजनीति व्यापार कर रहे हैं। इस कारण वहाँ की जनता ने उन्हें पूर्णतः नकार दिया है। अगर जी, अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किस किस तरह के मुद्दे होंगे जो अभी बीच पिछले जो 5 वर्ष में रहे थे पंडित आर के शर्मा जी, तो को उनसे जो कार्य छूट गए हैं तो उनको किस तरह से जनता के बीच ले जा रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह उनको पूरा करेंगे? देखिए, हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस आधार पर हम काम करेंगे। निश्चित रूप से विकास के एजेंडे पे हमारी सरकार चली है और विकास के एजेंडे को ही हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। छूटे हुए सभी कामों को पूरा करने का प्रयास करूँगा। अगर जैसे बात युवाओं की समस्या की आती है तो युवाओं में एक देखा जाता है एक बड़ी जो है बेरोजगारी की और समस्या देखने को मिल रही है, तो युवाओं के लिए विशेष कर क्या कार्य होंगे? देखिए, युवाओं को समस्या क्या, हमारी सरकार ने 4.5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां दी हैं 5 साल में, तो और तकनीकी दृष्टि से हम लोगों ने अनेक प्रकार के प्रशिक्षण देकर व्यावहारिक शिक्षा को देने का काम किया है जिससे हुनरमंद युवा बन सकें और अपना स्वयं रोजगार कर सकें। इस तरीके पे हमारा बहुत जोर है। अच्छा, जनता के लिए क्या संदेश है? जनता हमारे साथ है, जनता को योगी और मोदी सरकार पे पूर्णतः भरोसा है। हमने जो मैनिफेस्टो में 2017 में कहा वो सारे वादे पूरे करने का काम किया है। हमने केवल घोषणाएं नहीं की, सारी चीज़ों को पूरा करने का काम किया है। जी बिल्कुल, ये थे हरीश साके हमारे साथ, बिलसी विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं और आने वाले समय में जो है जो भी कार्य बचे हैं बदायूं के अंदर, अगर बात करें बिलसी सीट की, तो युवाओं के लिए जो है विशेष कर एक रोजगार का उनके लिए अवसर होगा, जो सरकार अब तक 5 वर्षों में जितना किया है उससे कहीं अधिक जो है युवाओं के लिए करेगी। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ विजय राठौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, बदायूं। वहीं बांदा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रद्युम्न कुमार लालू दुबे की मौजूदगी में 235 बांदा सदर विधानसभा के कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी लक्ष्मी गुप्ता और 234 नरेली विधानसभा कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी श्रीमती पवन देवी कोरी ने अपना नामांकन दाखिल कराया। अगर नरेनी के विकास की बात है तो नरेनी में सबसे पहले शिक्षा के माध्यम शिक्षा को प्राथमिक विकास दिया जाएगा, उसके बाद वहाँ खेल का मैदान बनवाया जाएगा बच्चों के लिए। और जो गौ की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, अभी एक घटना हो गई थी कुछ दिन पहले गौ को लेके, तो वहाँ पे एक स्थानीय
और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as assistant commissioner for cane and sugar department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as assistant commissioner state tax with government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। जौनपुर में PM की वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। वर्चुअल रैली में भाजपा के मशहूर शहर जिलाध्यक्ष रामविलास पाल के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी की ओर से मड़ियाव विधानसभा क्षेत्र में LED लगाकर लोगों को प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही बूथों पर भी TV लगाकर बूथ अध्यक्षों को शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ स्थानीय लोगों को PM की रैली से जोड़ा गया। कानपुर देहात में कार्यालय उद्घाटन के दौरान मुगल रोड पर घंटों जाम लगा रहा। जो वाहन स्वामी थे उनको कई घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गाड़ियों से सड़क पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सपा प्रत्याशी प्रभाकर पांडे के काफिले से मुगल रोड पर कई राहगीर फंसे रहे। ना तो कोई प्रशासन का नुमाइंदा वहां पहुंचा, ना ही पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। चुनाव आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया गया है। बिना मास्क और सैकड़ों की संख्या में जमकर
कोविड-19 की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर राजपुर सपा कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचा था। सिकंदरा तहसील क्षेत्र के राजपुर मुगल रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आचार संहिता के साथ साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल नेता पर बना दो का पहाड़ा सुना था, लेकिन पहाड़े पर भरोसा भोगनीपुर से भाजपा प्रत्याशी ने दिला दिया। पहाड़े में बताई गई 10 विशेषताएं मानो नेता बनने की पहली शर्त है, जो जनता और समाज के सामने खुलेआम बेईमानी करने की सलाह और ट्रेनिंग दी जा रही है। कैमरे में कैद भोगनीपुर से भाजपा प्रत्याशी के करतूत का एक वीडियो किस तरह से वायरल हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर शव पर भी राजनीतिक रोटियां सेक कर सरकारी धन हड़पने की सलाह दे रहे हैं। वीडियो में बोलने वाले नेता का परिचय कभी सपा मुखिया मुलायम सिंह के करीबी रहे का दावा नेता राकेश सचान का होता है। महाराष्ट्र प्रदेश की राजनीति में उस समय चर्चा में आए जब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के ऊपर लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ और षड्यंत्र में उनका भी नाम सामने आया। पैतरेबाजी में माहिर राकेश सचान ने राजनीति की शुरुआत जनता दल से की, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अब भाजपा के नाव पर सवार होकर विधानसभा पहुंचने का ख्वाब देख रहे हैं। राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लाभ लेने के लिए पार्टियां बदलना उनकी आदत में शुमार है और विधायक से लेकर सांसद बने हैं। जनसंपर्क के दौरान हसमेऊ में 60 वर्षीय वृद्ध की मौत होने पर लाभ लश्कर के साथ उनके घर पहुंचे और मृतक के परिजनों से जालसाजी कर 5 लाख रुपए हड़पने का फंडा किस्सा बता रहे थे। आप भी सुनिए, पैर पर सुई से काट कर सांप जैसे दांत के निशान बना दो, मैं थाने से लेकर पीएम रिपोर्ट में संदिग्ध भाषा लिखवाकर किसान बीमा का लाभ दिलवा दूंगा, ऐसा ये खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से किसान बीमा ये है, हार्ट अटैक से, सर्दी से, इससे नहीं है। वो अगर कोई जहरीले कीड़े ने काट लिया या एक्सीडेंट हो गया उसमें है, इसमें इसके पैर में बड़ी सुई से कुछ निशान बना दो, हम बोले दे रहे हैं थाने में, आप बोलिए कि इसके सांप ने काट लिया, वो पंचनामा कर देंगे, हम बोले दे रहे हैं पीएम में, तो वो संदिग्ध लिख देंगे, स्नैक्स वगैरह स्लाइड बना के भेज देंगे आगरा जाँच के लिए। मैंने सुन लिया, इसके बाद वो फार्म भरोगे तो 5 लाख का लाभ मिलेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बरेली से पहुंचे पीलीभीत और वहां पर अग्रवाल सभा में सभास्थल पर जनसभा को संबोधित किया। इसके दौरान वो डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए भी नजर आए और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। सभास्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित जनता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद नजर आई थी और भव्य स्वागत यहाँ पर राजनाथ सिंह का किया गया था। तो पीलीभीत की तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीलीभीत पहुंचे, यहां पर डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हुई और इससे पहले एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। सिद्धार्थनगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। शिवनगर थाना क्षेत्र के तितौली बाजार स्थित गारमेंट्स की दुकान ही बताई जा रही है। आगामी 23 फरवरी को होने वाले मतदान में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया है। बबेरू विधानसभा से राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रत्याशी राजबहादुर कुशवाहा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जो समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है, विकलांग, वृद्ध, विधवा, मजदूर, किसान, उनकी जो मूलभूत समस्या है, जैसे पेंशन है और आयुष्मान कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, और जैसे वहाँ पे हमने ये देखा है बबेरू विधानसभा में, मैं पिछले गांव गया हूँ, वहाँ पे रोडों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जैसे चरखा मुंडवारा में जो है, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो वहाँ से कोई आ नहीं सकता है।
बाराबंकी जिले में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र आज दाखिल किए गए। जिले से पहला नामांकन भारतीय जनता पार्टी के दरियाबाद विधानसभा सीट प्रत्याशी सतीश चंद्र शर्मा ने दाखिल किया। बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए सतीश चंद्र शर्मा को भाजपा ने दूसरी बार दरियाबाद विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। सर्वप्रथम मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को और अपने सभी क्षेत्रवासियों को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में यहां पर नामांकन करने का अवसर प्रदान किया। क्षेत्र में दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र जो लगातार पिछले वर्षों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, चाहे गोमती, कल्याणी, रारी, बस स्टेशन, टाउन एरिया, बस अड्डा, तमाम ऐसे काम, सैकड़ों सड़कें, हर गांव को बिजली पहुंचाने का ऐतिहासिक काम योगी और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। आने वाले समय में जो भी काम शेष बचे हैं उन जन आकांक्षाओं को हम लोग मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। जालौन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर वर्चुअली संबोधन किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत 221 सूरई विधानसभा की आम जनता ने भी इस संबोधन को सुना। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 7 सालों में इस बार सबसे उत्तम बजट आया है। इस बार का बजट किसानों के लिए होगा बेहद लाभकारी। 2023 तक कोई भी गरीब नहीं रहेगा, बगैर छत के नहीं रहेगा। उरई के रमराजा गेस्ट हाउस में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज देश के प्रधानमंत्री ने 221 उरई विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को बजट पर संबोधन किया है कि देश में जो विकास हो रहा है, देश 7 सालों में कितनी तेज गति से विकास हुआ है, और वो विकास आज जो केंद्र में सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल कार्यकर्ताओं के कारण वहाँ तक पहुँची है, और उनको कार्यकर्ताओं पर पूर्ण विश्वास है कि आज भी हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे और काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबको अपने कार्यकर्ताओं पर बहुत भरोसा भी है। कन्नौज जिला अस्पताल में मरीज को कंबल न देने के मामले पर सीएमएस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने संबंधित से स्पष्टीकरण मांग मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से कन्नौज के जिला अस्पताल में मरीजों को सुविधाओं से महरूम किया जा रहा है। देर रात आए एक मरीज को किस तरह घंटों भटकने के बाद परिजनों ने भर्ती तो करा दिया था, लेकिन ठंड से बचने को अस्पताल स्टाफ ने कोई कंबल नहीं दिया। मरीज की ठंड लगातार बढ़ती रही, लेकिन तीमारदार को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, जिसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ। इस खबर को प्रमुखता से भी दिखाया गया, जिसके बाद मामले का संज्ञान जिला अस्पताल अधीक्षक ने आनंद फानन में किया और निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का हालचाल जाना। उन्होंने मरीज को कंबल न देने पर संबंधित स्वास्थ्यकर्मी से स्पष्टीकरण मंगवाने और लापरवाही की जाँच करने की भी बात कही है। ये रूटीन निरीक्षण था, और जो सामान्य तरह हॉस्पिटल की जो रखाव और इसके लिए मेंटेनेंस के लिए की जाते हैं और एक जनरल लोगों से फीडबैक लेने के लिए, तो रूटीन था। उसमें कई चीज़ें हमको थोड़ी अस्त व्यस्त मिली, जिसके बारे में उनको सुधारने के लिए उनको ताकीद किया गया, और साफ़ सफाई को लेकर के भी हमने निर्देश जारी किए हैं, और कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को उनके दायित्वों को बताने के लिए थोड़ा सा एक निरीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के चौथे चरण का नामांकन जारी है। ऐसे में लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर नामांकन किया गया, जहां सपा से पूर्व विधानसभा से प्रत्याशी अनुराग भदौरिया कलेक्ट्रेट अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। 5 साल तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता को जो दर्द दिया है, चाहे कोविड काल में जनता ने अपने लोगों को खोया, सरकार ने उनके बारे में कभी नहीं सोचा। किस तरह से यहाँ पे किसानों को रौंदा गया, सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा। छात्र अपना रोजगार मांगने जाता है तो उसकी पीठ को पायदान बना के जिस तरह से वो अपनी बंदूक की बट से मरवाते हैं, पिटवाते हैं उनको, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में हैं ही नहीं, किसी और जगह पहुँच गए, जहाँ पर जिस छात्र चिल्ला रहा है मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब भी उनका सर फोड़ दिया जाता है। आखिर इन सब ने, छात्रों ने, महिलाओं का चीरन हुआ, उस पर भी सरकार कुछ नहीं बोलती है। हथरस की बेटी के साथ जिस तरह से रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के
उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन आज तक वही अधिकारी वहीं के वहीं बैठे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जो किसान के परिवारों की जिनकी मौतें हुई हैं उनको 25 लाख रुपए से उनकी मदद करेगी। हम 300 यूनिट फ्री देने जा रहे हैं। अब अपने यहाँ पे 5-10 रुपए की थाली मिलेगी जो लोग एक्चुअल होता ही है ये कीमत इतनी होती है, लेकिन बाजार में लूट मची हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।